चतुर बीरबल में आज की कहानी है, कहां मिलेंगे बीरबल। बादशाह अकबर के दरबारियों में सबसे प्रिय बीरबल एक दिन बाग में टहलते हुए ताजी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक एक आदमी उनके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहां मिलेंगे। बीरबल ने जवाब दिया, बाग में। यह जवाब सुनकर वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहां रहते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, अपने घर में। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते। बीरबल ने कुछ ऊंचे स्वर में उस आदमी से कहा, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। उस आदमी ने फिर सवाल किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। बीरबल का जवाब था, नहीं। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया, हालांकि बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा और बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। जवाब मिला, हाँ मैं जानता हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं बीरबल हूँ। अब वह आदमी भौचक्का रह गया, वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का ही पता पूछ रहा था, और बीरबल थे कि बताने को तैयार नहीं हुए कि वही बीरबल हैं। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। फिर उस आदमी ने बीरबल से नाराज होकर पूछा, तुम भी क्या आदमी हो, मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम ना जाने क्या क्या ऊट पटांग बता रहे थे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। बीरबल ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा साधा जवाब दिया था बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना ना रह सका।